Hello all students, in this video we shall continue the our chapter number 6, Poet and Pancakes. So let's continue the story of Chimney Studio. तब तक हमने देखा था कि वहाँ पे जो मेकअप मैन थे वो ज़्यादातर पोएट भी थे. तो एक बॉय था जो पोएट था, जनरली इंटरव्यू टेलिंग उसमें अच्छा था, उससे ऐसा लगता था. और वो हमारी जो राइटर है उनको ये कविताएँ सुनाकर बोर करता रहता था. और वो कभी कभी फ्री हो जाते थे जब उन्हें वो बॉय है वो मेकअप में बिजी रहता था. तब जो है हमारे जो राइटर है वो थोड़े से फ्री हो जाते थे, कंफर्टेबल फील करते. इन ऑल इंस्टेंस ऑफ द फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड अ सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्टली. एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज convinced that all his woes ignominy and neglected were due to the Kothamangalam Subhu was the number 2 at Chimney Studio. He couldn't have had a more encouraging opening and film than a group of makeup of boy had. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूसरा जो मेन कैरेक्टर था चिमनी स्टूडियो में हेड था, बॉस के बाद वाला जो इम्पोर्टेंट पर्सन था वो था कोठामंगलम शुभ. शुभ था वो बहुत ही अच्छा मेकअप मैन था, वो एक बहुत ही अच्छा एक्टर भी था. तो आगे क्या कहते हैं, ही कुडंट हैव हैड द मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म देन अवर ग्रुप ऑफ द मेकअप ऑफ बॉय हैड. अब वो हेड था सबका, बाद में मतलब कि जो करता था वो भी काम सबको इंस्ट्रक्शन देने का. और वो फिल्म इंडस्ट्री में जब से आया तो तब से शायद जो ये चिमनी स्टूडियो है या फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो करने लगी थी, यानी वो बहुत अच्छा काम करता था. ऑन द कंट्रेरी मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स. For when he began his career, there were no familiar established film producing companion or studio. Even in the matter of education, especially formal education, Shubhu couldn't have had an appreciable lead over our body. But by virtue of being born a Brahmin, a virtual innate, he must have had exposure to more affluent situations. And people, he had the ability to look cheerful at the all time even after having a head hand in the flop films. He always had work for somebody. He couldn't never do things on his own. यहाँ पे बात की है कि जब शुभू था उसका जब स्टार्ट उसने करियर किया था तब उसे बहुत सारे डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था. शुभू है जब से स्टूडियो में आया है और जो स्टूडियो का ग्रोअप हुआ है उसके पीछे उसी का हाथ है. जनरली उसने बहुत मेहनत की है. अब उसे ज़्यादातर तो कोई वर्चुअल नहीं मिले, पर वो ब्राह्मीण था इस वजह से उसे काफ़ी सारे जो है स्पोर्ट्स मिले थे. मतलब कि एजुकेशन में तो इतना मतलब उसने फॉर्मल एजुकेशन लिया था ज़्यादा नहीं लिया था, पर जनरली उसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था. पर वो ब्राह्मीण था इसलिए उसको ज़्यादा फायदे हुए थे इस वजह से, क्योंकि वो ब्राह्मण है. अब आगे कहते हैं कि वो सबकी हेल्प करता था, वो सबके साथ रहता था. बट हिज सेंस ऑफ और वो हमेशा खुश मिजाजी था तो खुश रहता था. अगर फिल्म फ्लॉप भी जाती थी तो भी वो खुश रहता था. हिज सेंस ऑफ लॉयलिटी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स एस एस वासन, यहाँ पे बॉस की बात हो रही है. कम्प्लीटली एंड द टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज टू हियर वॉज द मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड एंड कमेंडेड द रेड फ्लाइट. अभी यहाँ पे बोला है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग था और प्रिंसिपल मीन्स उनके लिए वो फायदेदार था, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेता था. और जब भी कोई डिफिकल्टीज आती थी कि डायरेक्टर को समझ नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सुबह के पास हमेशा आइडियाज रहते थे कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, कौन सा सीन कैसे क्रिएट करना है. तो ये सब उसके पास आइडियाज़ थे. वो बहुत ही हार्डवर्किंग और बहुत ही ज़्यादा वर्चुअस और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया था. रेड फाइट्स द टाइगर्स अनवॉटरेट एंड किल हर बट टेक्स पिटी ऑन द कर्व्स एंड द कैन ट्रेड द लवली लविंगली. आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन.
The producer would say, and the Subhu would come out with the four ways of the rate pouring affection of its victim of its offspring hood. But I am not sure, isn't it effective enough? The producer would say, and in the minute Subhu was come out with the 14 more alternative. Filmmaking must help him, and it was so easy with the men like Subhu around. And if even there was a man who gave a direction and a definition to the Gemini Studio during the identity as a poet, and though he was certainly capable of the address his poetry to the masses. यहाँ पे बात की है सुबह की, कि सुबह था अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब ये एग्जांपल दिया है कि वो सीन को कैसे क्रिएट करते हैं, तो जब प्रोड्यूसर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था तो सुबह उसको चार अलग अलग वेज देखा था कि कैसे क्रिएट करना है कौन सा सीन. जब प्रोड्यूसर को ये चार में से कोई भी पसंद नहीं आता था वे, तो इन द मिनट वो और ज़्यादा 14 वेज ले आता था उसको इफेक्टिव बनाने के लिए. तो सुबह इतना टैलेंटेड था, वो सिर्फ संभाल लेता था. और अदर साइड वो एक पोएट भी था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पोएट था, पर वो जनरली अपने पोएट वाला जो टैलेंट है या फिर वो उसने करियर अपना जो है वो जिमिनी स्टूडियो वाला जो करियर है उसपे ज़्यादा ध्यान देता था ना, कि पोएट जो करियर है पोएट वाला उस पर. वो जनरली उसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट था, वो बहुत अच्छी ऐसी लिटरेरी पोएम्स लिख सकता था, पर उसे सिंपल टेक्स्ट भाषा में पोएम लिखी जो जनरली मास यानी कि पीपल्स पढ़ पाए, इजीली पढ़ पाए, समझ पाए. ही सक्सेस इन द फिल्म ओवर शेडो एंड द ड्रॉप हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन द फ्लॉक रिंग रिफेन एंड द डिक्शन एंड ऑल्सो रॉटर्स पैरलिन नॉवेल थिलाना मोहाना बल विद डोजन ऑफ अ वेरी डेफ्टली इंजेड कैरेक्टर. अब यहाँ पर सुबह ने एक नॉवेल भी लिखी है बहुत ही डीपली मीनिंग वाली कैरेक्टर के साथ, बहुत सारे कैरेक्टर उसने क्रिएट किए हैं उसने. ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड द मैनर ऑफ द देवदासी ऑफ द अर्लियर 20th सेंचुरी से पहले या फिर 20th सेंचुरी के एंड तक जो देवदासी थी, वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भारतीय से जो कुछ स्टेट थे तमिल साइड या मद्रास साइड, वहाँ पे देवदासी हुआ करती थी. तो देवदासी एक ऐसी जो होती थी, मतलब कि ऐसी स्त्रियों पे लिखी जाती थी जो उनके जब हस्बैंड मर जाए वो जो भगवान के लिए एकदम डिवोटेड होती हैं और साध्वी भी बन जाती हैं और भगवान के प्रति और भक्ति में लीन हो जाती है, उन्हें देवदासी कहा जाता है. तो उन पर उन्होंने लिखी थी, जनरली उनको फिगर आउट किया था. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ही नेवर एस्पायर्ड टू लीड रोल, बट व्हेनेवर सब्सिडियरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म्ड बेटर देन सपोज्ड मेन रोल. वो कहता है कि सुबह एक बहुत ही अच्छा एक्टर था. हाँ, जनरली वो मेनली प्ले नहीं करता था रोल, पर उसे जो भी रोल दिया जाता था वो मेन प्लेयर होता है, मेन एक्टर होता है, उससे भी ज़्यादा वो अच्छे से वो जो है प्ले परफॉर्म करता था, अपना रोल परफॉर्म करता था. तो वो इतना बहुत होता, एक्टर भी था, पोएट भी था, राइटर भी था. रोल ही प्लेड ही हैड द जीनियस लव फॉर एनीवन, जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस. And his house was a permanent residence for dozens of years, and the house a fair relationship and the quaintnesses. It seems against Subhu's nature to be even conscientious that he was feeding and supporting so many of them, such as the charitable and the improvident man, and yet he had enemies. Was it because he seemed so close and intimate with the boss, or was it his gentle dementia that resembled a psychopath, or his readiness to say nice things about everything? अब यहाँ पर बात की है सुबह के नेचर की. तो सुबह कैसा था, वो जनरली उसका हाउस सबके लिए खुला रहता था, वो जनरली सबके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, जब भी जिसका मन चाहता था वो सुबह के घर चला जाता था,
सुकू उसे हमेशा जो है खाने पे बुलाता था, वो सारे फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को जनरली उसके घर पे वो लोग जाते थे, फील करते थे, खाना खाते थे, इंजॉय करते थे। अब सुकू से सुकू का ये नेचर था, उसके कारण उसके कुछ दुश्मन भी बन गए थे। वैसे तो उसके लिए वो किसी से दुश्मनावट नहीं करता था, उसका नेचर बहुत ही जेन्यून था, वो सबसे ज़्यादा जेन्यून लव करता था। फिर भी उसको कुछ जो है दुश्मन थे, एनिमीज थे। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो बॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बॉस उसको कुछ ज़्यादा ही मान देते हैं और उसे सबको ये लगता था कि ये बॉस की चापलूसी करता है इसीलिए। या फिर शायद वो रिसेंबल जो उसका जो जनरली उसका जो नेचर था सब, वो मीन्स के वो टैलेंटेड था, इसलिए शायद भी वो सब में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाता था, इस वजह से सब उससे जलते थे या फिर दुश्मन बना लेते थे अपना। इन एनी केस देयर वाज अ दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, वो विश्ड द प्रेजेंट थिंग्स पॉसिबल। अब मेकअप डिपार्टमेंट में सारे लोग जो थे डायरेक्ट के लिए जो थे वो जनरली अच्छा ही उसे बिहेव करते थे, पर कुछ लोग ऐसे थे तो उससे दुश्मनी अलग भी बनाए रखना चाहते थे। तो हमारा जो एक चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो ये मिक्सचर है कि पोएट्स और पैनकेक। पैनकेक्स क्या है? ये जुबिनी स्टूडियो से कनेक्टेड है, मेकअप का जो ब्रांड है वो, और यहाँ पे पोएट्स भी बहुत सारे हैं जिन दोनों को मिक्स किया है यहाँ पे, कि फिल्म लाइन में जो भी लोग होते हैं उनके पास और भी टैलेंट रहते हैं। तो हमारे जो ये चैप्टर है हम इतना ही रखेंगे आज के लिए, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।